सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा पर अगर कोई ब्याज दिया जाता है तो उस पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह आय नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और एस जे कठवाला ने रूपेश रश्मिकांत शाह की याचिका पर यह फैसला सुनाया। शाह को 40 साल पहले एक कार ने ठोकर मार दिया था जब वह मात्र 8 साल का था और इस वजह से वह बिस्तर पर ही पड़े रहने के लिए बाध्य हो गया। शाह ने याचिका दायर कर अदालत की राय जाननी चाही कि उसे 36 साल पहले जो मुआवजा मिला उस पर मिल रहे ब्याज पर 30% आयकर वसूलना क्या उचित है। फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा, हमें पहले ब्याज की सच्ची प्रकृति को सुनिश्चित करना होगा। यहाँ तक कर का आकलन करने वाले अथॉरिटी ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि मुआवजे पर कर नहीं लगाया जा सकता, ब्याज मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है और इस तरह प्रयास यह है कि उचित मुआवजा दिलाया जाए। मुआवजे को तय करने में हुई देरी की वजह से ब्याज चुकाने को कहा गया है और यह इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने अंत में कहा, हमारी राय है कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मुआवजे पर जो ब्याज दिलाया जाता है उस पर दावे की याचिका दर्ज करने से किसी अपील पर हाईकोर्ट के फैसले के दिन तक के लिए कोई आयकर देय नहीं होगा क्योंकि वह आय का नहीं है। इस तरह अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। वर्ष 2016 में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि MACT मुआवजा आय नहीं है और इस पर कर नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।